हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको जो बताया है वो था आपका लास्ट क्लास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो वो हम लोग कैसे डील करते हैं, कैसे हम लोग जज करते हैं कि हमारा जो गिवेन है वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था। मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, पहले मैं रिकॉल कर देता हूँ कि हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या क्या था, ठीक है। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ग्रेटिंग फैक्टर दैट मीन्स IF, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा जिससे आपको थोड़ा सिंपल हो जाता है काम करना, ठीक है। तो देखिए, इसमें नंबर वन ये है कि जैसे आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपका इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवेन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जो है आपका, ओके, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम ये देख रहे हैं कि आपने ये निकाला कर ली एम बाई कर ली वाई, फिर आपने निकाला कर ली एन बाई कर ली एक्स, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने एम का कर लिया और एम का वाई में और एन का एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आपका इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिया है, ओके, और आपका ये एग्जैक्ट नहीं है, यानी आपको ये इक्वल नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो पहला जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका वो क्या होता है, तो फर्स्ट नंबर होता है आपका 1 बाई mx + ny, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कब यूज़ करेंगे इसका, जब आप ये देखेंगे कि आपका जो एम एक्स है और प्लस एन वाई है, ठीक है, ये नॉन जीरो आता है, ठीक है। एक तो नॉन जीरो आना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, और दूसरा ये देखिएगा कि कोई स्पेशल फॉर्म नहीं होना चाहिए ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का, ठीक है। एंड मैं लिख देता हूँ, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन इज Not of, not of, ठीक है, in form of, स्पेशल का मतलब यहाँ पे ये है कि ये इस तरह का फॉर्म में ना हो, ठीक है, कि आपका एक फंक्शन पूरा एफ एक्स वाई दिया हुआ हो, एक्स वाई का फंक्शन हो, ठीक है, और साथ में इसमें लगा हुआ हो वाई डी एक्स, ओके, या सिर्फ कहने के इसमें डी एक्स लगा हो, नहीं, वाई डी एक्स ही लगा रहेगा, वाई डी एक्स प्लस, और फिर यहाँ पे फंक्शन हो आपका जी एक्स वाई का, ठीक है, और साथ में लगा हो एक्स डी वाई। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। एक तो ये देखना है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई और फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, जो है अलग अलग फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे भी एक्स वाई का फंक्शन होगा, यहाँ पे भी एक्स वाई का फंक्शन होगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला सेटअप मिलता है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक है। तो अगर ये सेटअप हमको मिलता है तो ये फिर हम इसमें दूसरा चीज़ को लेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। तो मैं सेकेंड वाला लिख देता हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है हमारा, नंबर टू होगा आपका 1 बाई, आप इस केस में क्या लेंगे, आप इसमें लेंगे एम एक्स माइनस एन वाई, एम एक्स माइनस एन वाई, ठीक है। कब, जब आपका, अब ध्यान दीजिएगा क्या, कि आपका जो एम एक्स माइनस एन वाई है वो तो नॉन जीरो होगा ही, ठीक है, एम एक्स माइनस एन वाई ये क्या होगा आपका, नॉन जीरो होगा। एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका वो क्या होगा, इज ऑफ फॉर्म, वो आपका फॉर्म होगा कौन सा, जो मैंने ऊपर लिखा है एफ एक्स वाई का फंक्शन वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस फिर से कोई अनदर एक्स वाई का फंक्शन और एक्स डी वाई, ठीक है, ये आप देख लेंगे। हाँ,
फिर से मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। देखिए ये एक्स वाई का फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर ये वाई डी एक्स एक्स डी वाई, इस तरह का अगर स्ट्रक्चर मिलता है तब आप फिर इसको लेकर के जाएंगे, ठीक है, इसलिए कि फिर आपका वो वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? इस फॉर्म में होगा तो ये करेंगे, और अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो हम लोग फिर इसको ट्राई करेंगे। ये देखिए ट्राई करने का है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एकदम 100% श्योर वर्क कर गया ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ बट लेकिन जनरली हिट कर जाता है, और हम लोग फिर चेक भी नहीं करते, जैसे अप्लाई करते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई अब ये एग्जैक्ट हमारा हो गया है, ठीक है, या तो आपको दिखेगा या तो आप उसको फिर चेकआउट भी करके कंफर्म हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो तीसरा है आपका, ये तीसरा वाला थोड़ा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है आपका कि आप जो आई एफ लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका ये इक्वल नहीं आया ना, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप ये दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए कि दोनों का डिफरेंस कैसा है। जैसे करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बाई करली एक्स, ये है, ठीक है, ओके। अब हम इसमें अगर कुछ डिवाइड करके अगर हम इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, मतलब कि किसी भी यूजुअल वैल्यू से आप इसको डिवाइड करके अगर ऐसा कर लेते हैं कि आपको ये सिर्फ कोई एक फंक्शन बचता है एक्स का, ठीक है, एफ एक्स अलोन, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स बचता है, ठीक है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए हम इसमें 1/n से डिवाइड कर रहे हैं और हमको ये फंक्शन ऑफ एक्स बच रहा है ओनली, देन क्या होगा? देन याद रखिएगा हमारा जो आई एफ है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ, शुरू में यहाँ पे आप इफ लिख दीजिएगा। हाँ क्या लिखेंगे? इफ। तो मैंने मान सपोज कीजिए कि मैंने ये वैल्यू निकाला, ठीक है, और ये सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स आया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? एक्सपोनेंट टू द पावर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाएगा आई एफ, ठीक है। और यहीं पे मैं कर देता हूँ, अगर सपोज कीजिए कि ऐसा हुआ कि इसको एम से डिवाइड करना पड़ा इस फैक्टर को, ठीक है, एम से डिवाइड करना पड़ेगा, या हो सकता है कि आप निगेटिव ले लेंगे, यानी करली एन बाई करली एक्स माइनस करली एम बाई करली वाई लेंगे, क्योंकि आपको ये पॉजिटिव वैल्यू रखना होता है, ठीक है, जनरली फंक्शन का, तो आप जब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको ये सिर्फ वाई का फंक्शन मिलता है, जी वाई अलोन, सिर्फ वाई का फंक्शन मिलता है, ओनली फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, तो यहाँ पे ओनली होगा ना, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स मिलना चाहिए, यहाँ पे आपको ओनली फंक्शन ऑफ वाई मिलना चाहिए, तब इस केस में जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट टू द पावर जी वाई डी वाई। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को काम करना है। तो आप देखेंगे कि अगर इस तरह का आपका हीट करता है, ठीक है, तो आपको काम करने में हेल्प मिलेगा। क्लियर है? तो आइए मैं एक आध क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये वर्किंग भी इजी हो जाएगा, ठीक है। एक तो मैंने एग्जांपल आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो उसके बाद में आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल शो दैट, आपको शो करना है, शो नहीं करना, सोल्व करना है, ठीक है, सोल्व। सोल्व करना है क्या? y एक्स वाई प्लस 2x² y² dx प्लस x एक्स वाई माइनस x² y² dy इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके, इसको आपको सोल्व करना है। हालांकि यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे एक्स वाई पूरा कॉमन भी है ना, कॉमन भी लेकर के आप वहां पे इसको आप आइदर एक्स को 0 और आइदर वाई को आप 0 कर सकते हैं, एक्स वाई जब आपका कॉमन हो जाएगा तो, ठीक है, तो वहां से भी। अच्छा एक तो वो चीज है, दूसरा ये चीज है कि आप देखिएगा यहाँ पे कि नंबर वन ये क्या कि ये आपका फॉर्म जो है ये पूरा क्या है, ये आपका है देखिए एम डी एक्स, ठीक है, प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये जरूरी है, ठीक है, ये फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पूरा ये एम है और आपका ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका एन है, तो ये प्लस, तो एम एक्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म का है, ठीक है, ओके।
अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्ली एम बाई कर्ली वाई अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए नंबर 2 आप देखेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सही है, ठीक है। नंबर 2 देखेंगे अगर आप, तो कर्ली जो मेरा एम बाई कर्ली वाई है इसको आप देखेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे वाई से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाता है 2xy प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 4x2y, ठीक है। और अगर आप कर्ली एन बाई कर्ली एक्स निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाता है 2xy माइनस, ठीक है, ये एक्स क्यूब हो जा रहा है, तो आपको यहाँ से आ जाएगा 3x2y2, तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल नहीं है आपका, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कर्ली एम बाई कर्ली वाई नॉट इज इक्वल टू कर्ली एन बाई कर्ली एक्स, ठीक है, तो इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ओके, ये चीज हो गया। अच्छा, तीसरा अगर आप हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये देखते हैं ना कि यहाँ पे आप देखें तो ये तो पहले आपका वाई डी एक्स है, ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्म है क्या है, इट इज ऑफ फॉर्म, ये आपका फॉर्म है, आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे जो टोटल फंक्शन दिया है वो एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें टोटल जो फंक्शन है वो एक्स वाई का फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एफ एक्स वाई है और साथ में वाई डी एक्स है, ठीक है, वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे भी एक्स वाई का फंक्शन है, साथ में आपका एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये फॉर्म का है, ठीक है, ये फॉर्म का है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जो आई एफ है निकाल लेंगे, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या ले लेंगे हम लोग वो ले लेंगे 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई, ये ले लेंगे, ठीक है, तो एम आपको देखिए यहाँ पे गिवन है, एम पूरा ये है और एन पूरा ये है, तो आप एम एक्स और एन वाई इन दोनों को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे आप कर लीजिएगा तो क्या आ जाता है आपका, आ जाएगा देखिएगा 3x³ और वाई क्यूब, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। अब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवेन है उसमें आप आई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो नंबर 5 में क्या होगा, 1 × IF आप करेंगे, ठीक है, वी गेट, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको थोड़ा अरेंज भी कर लीजिए, हाँ एक वाई है आगे में वो इससे कैंसिल होगा, तो जो फॉर्म हमारा आ जाता है वो देखिए आ जाएगा 1 बाई 3x² y प्लस 2 बाई 3x साथ में आपका डी एक्स प्लस, फिर यहाँ पे आप करेंगे तो 1 बाई 3x² माइनस 1 बाई 3y और डी वाई इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म आपका आ जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिएगा तो डेफिनेटली ये क्या है, अब आपका ये अब आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ गया है, ठीक है। अगर आप फिर से देखेंगे तो फिर से देखिए ये आपका जो है वो आपका एम है, ठीक है, और ये आपका एन है, तो हम लोग देखते हैं कि नाउ आप चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि कर्ली एम बाई कर्ली वाई इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, कर्ली एन बाई कर्ली एक्स, ठीक है, दैट इम्प्लाइज इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपका ये क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो आपको सोल्यूशन करना ईजी हो गया, ठीक है, तो सोल्यूशन क्या मिलेगा, सोल्यूशन आपको मिलता है सिंपली इसको आप इंटीग्रेट करते हैं टेकिंग वाई कॉन्स्टेंट, सो 1 बाई 3x² y प्लस 2 बाई 3x डी एक्स, इसमें आप क्या करते हैं वाई को ले लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है, अच्छा, और प्लस इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करते हैं टर्म लेते हैं फ्री फ्रॉम एक्स, तो एक्स है इसमें तो ये तो हट जाएगा, तो -1 बाई 3y dy इज इक्वल टू 0, ये आपको सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अब आप इसको आसानी के साथ में कर सकते हैं, जो कि आपका वाई क्या है कॉन्स्टेंट है, तो y चूंकि मेरा कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं बोलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि 1 बाई 3 y को कांस्टेंट ले लीजिएगा, x⁻²² का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, -2 dx, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 बाई 3 को कांस्टेंट ले लीजिएगा, 1 बाई x का इंटीग्रेशन करेंगे, -1 बाई 3 कांस्टेंट है, 1 बाई y का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, तो आपको जो मिलता है वो इसका तो -1 बाई x आ जाएगा, तो -1 बाई 3 xy, ठीक है,
और ये आपका 2 बाई 3 log x माइनस 1 बाई 3 log y इक्वल टू, इधर आप कॉन्स्टेंट लगा दीजिएगा log c, ठीक है। तो आपका ये क्या है, ये आपका फाइनली आंसर आ जा रहा है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ और आपका आंसर भी इस तरीके से आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई खास मुश्किल आपके लिए नहीं था, एक सिंपल इक्वेशन था, ठीक है। अच्छा थोड़ा इसको आप अगर आप बुक से देखेंगे आंसर आपका नहीं मिलेगा तो आप थोड़ा आगे पीछे कर लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो इससे आपका काम हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा इसके बाद ही मैंने आपको कुछ कुछ और भी बताया है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तो आइए मैं थोड़ा सा आपको वहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि वहाँ पर भी हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, एग्जांपल है, ठीक है, सोल्व करना है आपको। सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। अभी आप देखें, ठीक है, तो पहले तो आप देखेंगे कि ये वो कोई उस तरह का फंक्शन नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई हो, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स वाई हो, तो ये यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, पहले तो देखेंगे आपके यहाँ पे आप उनको दिख जाएगा, ठीक है, कि आपका यहाँ पे कर्ली एम बाई कर्ली वाई इक्वल नॉट इक्वल टू कर्ली एन बाई कर्ली एक्स है, ये आप चेक कर लेना, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म नहीं है, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एम है और ये आपका क्या है, ये आपका एन है, तो देयरफॉर कर्ली एम बाई कर्ली वाई अगर आप निकालेंगे करली एम बाई करली वाई तो क्या आ जाएगा, ये आपका आता है 2y, ठीक है, और करली एन बाई करली एक्स अगर निकालते हैं आप तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका आ जाता है 0, ठीक है। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ पे आप जो है एम एक्स प्लस एन वाई से भी जाएंगे तो कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो आपका एम एक्स प्लस जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्या एक तो है आपका एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है, 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई, ये तो ये आपका यहाँ पे यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी आपको लेंथी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, ओके, तो ये आपका यूजफुल नहीं है। नंबर टू जो है आपका, चूंकि एफ एक्स वाई का फॉर्म नहीं है, तो इसीलिए आपका जो ये वाला था एम एक्स माइनस एन वाई, ये आपका नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए वर्क नहीं करेगा कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको एक्स वाई का फंक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ओके। अच्छा तो नंबर थ्री, थ्री वाला और फोर वाला हम लोग कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है। तो आप देखेंगे कि करली एम बाई करली वाई, ओके, माइनस करली एन बाई करली एक्स, ये आपको क्या, ये आपको 2y मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एन एम से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, यानी 1 बाई एन, एन मेरा 2y है ना, एन मेरा क्या है 2y, तो अगर मैं एन से इसको डिवाइड कर दूँ तो 1 बाई एन, ठीक है, करली एम बाई करली वाई माइनस करली एन बाई करली एक्स, ये क्या आ जाता है, तो एन आपका 2y है, तो ये आपका 2y बाई 2y यानी आपका 1 आ जा रहा है। तो अब आप देखें कि ये जो है आपका ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं इसलिए कि ये कॉन्स्टेंट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो IF है वो क्या आ जाएगा बताइए, तब उन्होंने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा जो IF है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx, फंक्शन आपका 1 आया है, कांस्टेंट आया है, ठीक है, तो इसका EX होता है, ये आपका EX यहाँ पे वर्क कर जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये सब आप मेंशन मत कीजिएगा, आप यहाँ के बाद इसको लिखने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से चले आइएगा, ठीक है, मैंने समझा दिया कि ये दोनों आपका यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये मेरा EX हो गया, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम लोग 1 को EX से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 into IF वी गेट, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आ जाता है EX, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस EX into 2y dy इज इक्वल टू 0, आपका ये आ जा रहा है, ठीक है। अब आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, कन्फर्मली आपका ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, ठीक है, ओके। इसमें अब आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। अच्छा अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अब आपका ये जो वर्किंग है वो भी आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है, कैसे वर्क करेंगे आप, तो ठीक है,
आप लिख सकते हैं इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ओके। ये इस तरीके से कि आप ऐसा कर सकते हैं कि डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, आपका आप देखेंगे तो यहाँ पे हम का ये आ जा रहा है ठीक है, कि देखिए ये ई एक्स है तो ई एक्स ओके है आपके साथ में, और आप देख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है, इसको आप देख लें तो इन दोनों का ठीक है, जब आप इनके मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको देखिए यही आएगा ठीक है, पूरा आप करके देख सकते हैं ठीक है, एक बार आप ई एक्स को करेंगे बाकी इसको ठीक है, इसका डेरिवेटिव यही आएगा, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ठीक है, तो हमको सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा इसको इंटीग्रेट करने से, सॉल्यूशन इज ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। एक तो ये तरीका है ठीक है, दूसरा जो तरीका है यहाँ पे वो आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना ठीक है, तो इसको आप जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो अब आपका चूंकि ये एग्जैक्ट फॉर्म आ गया है, तो आप इसको वाई को कांस्टेंट लेकर के ठीक है, वाई को जब हम लोग कांस्टेंट लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये पार्ट्स में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वाई को कांस्टेंट लेकर के, और इधर टर्म आपको लेना है क्या, फ्री फ्रॉम एक्स ठीक है, तो फ्री फ्रॉम एक्स तो ये तो आपको पूरा हट जाएगा, जीरो हो जाएगा ठीक है ओके, तो सिर्फ आपको इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस टू एक्स है ठीक है, तो आप अगर पार्ट्स में करते हैं इसका इंटीग्रेशन तो आप देखिएगा कैसे होगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो जाएगा ठीक है, बाई पार्ट्स में करूँगा यहाँ पे हाँ, बाई इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है प्लस टू एक्स ओके। अच्छा फिर माइनस होगा, फिर आप ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वाई कॉन्स्टेंट है तो क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा टू एक्स ठीक है, तो फिर से इसका इंटीग्रेशन आपका बचा रह जाएगा, तो फिर आप फर्दर इसको करेंगे तो आ जाएगा देखिए ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स ठीक है ओके, और माइनस फिर इसका आप करेंगे तो पहले बार में तो आपको ये टू एक्स ई एक्स मिलेगा ठीक है ओके, और फिर बाद में जब आप देखेंगे तो सिर्फ ई एक्स आता है आपका ओके, तो टू एक्स ई एक्स, और फिर से एक्स का जो है जब हम लोग ये करेंगे एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो वन आ जाएगा, तो ई एक्स बचेगा ठीक है ओके। तो हमारा ये फाइनली क्या हमको मिलता है, तो इसका एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये प्लस में आपका आ जाएगा, ये आ जाता है ठीक है, ई एक्स हो जाएगा और टू एक्स आपका बच गया, फिर इसका आप डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो टू एक्स का टू और एक्स हम लोगों को बचेगा तो ई एक्स आता है ठीक है ओके, तो यहाँ से फिर आपका ये जीरो हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि ये टर्म और ये टर्म आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो फाइनली आपको वही आंसर बच रहा है जो आपको यहाँ पे बचा था ओके। तो दोनों तरफ से आपका ये इक्वल ही आएगा, अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं और इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका जो डिफरेंशियल इसका जो डिफरेंशिएशन है ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाता है जैसे आप देखिएगा ई एक्स को हमने किया तो ई एक्स आ गया ठीक है, और इसको हम लोगों ने छोड़ दिया तो इसका डिफरेंशिएशन आप करके देख सकते हैं, तो ये आ जाता है ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है प्लस, अब मैं ई एक्स को छोड़ देता हूँ तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा आपका टू एक्स ठीक है, साथ में डी एक्स, और वाई स्क्वायर का आ जाएगा टू वाई और डी वाई, और इसमें डी एक्स, अब आप दोनों को मिला करके देख लीजिए, आप जब दोनों को मिलाएंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगा जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव फॉर्म है वो ये है कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप आंसर निकालेंगे तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा ओके। अब इसी तरीके से आप कुछ और भी क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे आप को हो सकता है कि आपका इन के जगह पे आपको एम से डिवाइड करना पड़े, तो अगर आप एम से डिवाइड करते हैं कुछ फंक्शन आता है तो आप इस तरह का भी कर लीजिएगा ठीक है, तो उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप आगे खुद से कर लीजिए ठीक है ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।